प्रभु प्रसाद चैनल में सभी भाई बहनों का स्वागत है। आज मोनथाल बनाएंगे। मोनथाल बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए, 2 कप बेसन, दरा दरा पिसा हुआ बेसन लेंगे, थोड़ा मोटा पिसा हुआ बेसन होने से अच्छा होता है। 2 कप चीनी, 2 कप दूध, 2 कप ऑयल, ये तला हुआ तेल नहीं लेना है, फ्रेश तेल लेने से अच्छा होता है, जाफर जापत्री थोड़ा कूट के 1 स्पून लिया है, बड़ी इलायची दरदरा कूट के लिया है, इलायची पाउडर 1 स्पून लिया है, बादाम काट के लिया है, काजू काट के लिया है, काजू बादाम अपने टेस्ट अनुसार डाल सकते हैं। अभी पहले चाशनी बनाएंगे। चाशनी ठंडा करना है बना के, तो इसलिए पहले चाशनी बना लेंगे। चीनी बर्तन में डाल रही हूँ, 1/4 ग्लास पानी डाल रही हूँ। अभी इसको बॉईल करेंगे। देखिए बॉईल हो रहा है। अभी ये चाश देखेंगे कैसा बनाते हैं। चाशनी ठंडा होने के बाद हनी जैसा रहना चाहिए, तो उसके लिए देखिए अभी पाग इस कंडीशन में हाफ करने से वैसा बनेगा। देखिए मैं और एक बार दिखाती हूँ आपको। देखिए ऐसा चाशनी बनाने से पक्का रहता है। अभी इस चाशनी को उतार के थाली बंद करके ठंडा होने रख देंगे। 1 दिन पहले बनाने से अच्छा रहेगा। अभी कढ़ाई में बेसन डाल रही हूँ, ऑयल डाल रही हूँ, देखिए ठंडा होने के बाद देखिए हनी जैसा है ना। अभी एक बर्तन में दूध डाल रही हूँ। एक तरफ दूध गरम करने रखेंगे, दूसरी तरफ कढ़ाई रखेंगे। देखिए अभी इसको घुमाएंगे, मीडियम आंच में इसको भूनेंगे। देखिए ऐसा गांठ नहीं रहना चाहिए, अच्छी तरह से घुमा लेंगे, हाथ नहीं छोड़ना है, कंटिन्यूस इसको घुमाते रहना है। मैसूर पाक में हम तेल डालते हैं, लेकिन अभी इसमें दूध डालेंगे। दूध एक तरफ गर्म हो रहा है, ये भी देखिए इस कंडीशन में दूध डालेंगे, 1-1 केवी करके डालेंगे। अभी 1 केवी में दूध डाल रही हूँ। दूध डालते ही ये उड़ेगा, बहुत केयरफुली इसको डालना होता है। देखिए ऐसा कंटिन्यूस इसको हिलाना है, नहीं तो नीचे जल जाएगा, इसलिए मीडियम आंच में ऐसे घुमाते ही रहना है। देखिए थोड़ा हल्का हो गया है ना। अभी सेकेंड टाइम दूध डाल रही हूँ, 1-1 केवी करके डालने से ठीक रहता है। देखिए कैसे उड़ रहा है ना, बहुत हिफाजत से इसको डालना होता है, कंटिन्यूस इसको घुमाना है। देखिए ऐसा, देखिए हलवा जैसा बन रहा है ना। दूध डालते ही थोड़ा गट हो जाता है, फिर भूनते भूनते हल्का हो जाएगा।
देखिए ऐसा। अभी दूध डाल रही हूँ। देखिए कितना अच्छा बन रहा है ये। देखिए अभी दूध डाल रही हूँ। कितना अच्छा गट्ट हो रहा है ये। अभी जो बचा हुआ दूध सब दूध अभी फाइनली सब दूध डाल रही हूँ। देखिए कैसे गट्ट हो रहा है। इसको भूनते ही रहना है, बादाम कलर आने तक भूनना है। फोर्टी फाइव मिनट्स लगता है ये बनने में, पौना घंटा लगता है। दूध जब सूख जाता है तो हल्का हो जाता है ये। देखिए तेल छूट रहा है ना अभी, और भी कलर आना है। रोज कलर, बादाम कलर आने तक भूनना है। देखिए कितना अच्छा तेल छूट रहा है, रोज कलर आ रहा है ना। देखिए बादाम कलर आ गया है। अभी इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे। इलायची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जाफर, जापत्री, काजू, बादाम, ये भी अच्छी तरह से घुमाएंगे। ड्राई फ्रूट भी इसी में भून जाता है और खुशबू भी बहुत अच्छा होता है इसका। देखिए कलर कितना सुंदर आया है। अभी गैस बंद कर देंगे। गैस बंद करके जो चाशनी बना के रखा है ना, ठंडा करके रखा है ना, वो चाशनी इसमें डालेंगे। देखिए ऐसा है ना, हनी जैसा। देखिए कलर कितना सुंदर कलर आया है मूंगफल का। चाशनी डालते ही और भी तेल निकल आता है। देखिए कितना शाइनिंग तेल भी निकल रहा है। अभी इसको एक ट्रे में जमाएंगे। एक ट्रे में डाल रही हूँ। दो घंटा इसको ठंडा होने छोड़ के फिर अपने आकार अनुसार जितना हमको मोटा चाहिए पतला चाहिए उस अनुसार ट्रे में जमा लेंगे। और ऊपर से गार्निश कर रही हूँ
ड्राई फ्रूट जो बचा के थोड़ा थोड़ा रखा था ना, ड्राई फ्रूट से इलायची, जाफर, जापत्री ये 2 घंटा ठंडा होने रख देंगे। फिर इसको काट के सर्विंग बाउल में निकाल रही हूँ। देखिए कितना सुंदर मोनथाल रेडी हो गया है। मोनथाल रेडी।